बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ वाजिद अली और आप देख रहे हैं वाजिद अली फाउंडेशन। नाज़रीन ग्रामी, एक ऐसा हमें इंसान नज़र आया है जो कूड़ा क्रिकेट कचरे से अपनी रोज़ी रोटी तलाश कर रहे थे, जो गत्ता बोतल कूड़ा क्रिकेट में से, ये दिखाएं सर ज़रा, ये आप देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स नाज़रीन, ये हमारा प्यारा मुसलमान ये काम कर रहा था। तो भाईजान, आप कितने पैसे कमा लेते हैं? बस 300-400 रुपये। और इसके अलावा क्या काम करते हैं आप? बस और काम नहीं करते, किसी से मांगते भी नहीं हो? कसम खुदा की ले लें, यकीन करें, ये हमारा पाकिस्तानी नौजवान, 18 साल का नौजवान खड़ा है, पठान बरादरी से ताल्लुक़ रखता है। और मैंने जब इनको आकर देखा, और काफ़ी अरसे से मैं इस बंदे को देख रहा हूँ, और ये काफ़ी दूर दराज तक ये कूड़ा क्रिकेट गत्ता बोतल वगैरह उठाते हैं। आपको कौन सी नौकरी या जॉब चाहिए, किस तरह की कर लेंगे आप? ऊंचा बोले, इस तरह काम है बस करें। सिक्योरिटी गार्ड लग जाएंगे? गार्ड करें। खाना खाया? आपको शरबत भी पिलाते हैं, कुछ ताउन भी करते हैं, दुआ भी करें हमारे लिए, हाथ उठाएं अपने इन हाथों से, दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान करवाए। कितने पैसे कमा लेते हैं? इसके ऊपर ग्लव्स या मास्क भी तो इस्तेमाल करें आप, मास्क का इस्तेमाल आप भी करें ताकि वो जंग्स वगैरह चल सके। आए मेरे पास नाज़रीन, आज का आपने प्रोग्राम हमारा देखा, हमने लेडीज़ को साथ में तावन किया, लेकिन उनसे हमने पूछा, किसी के अबू फोत हो गए थे, किसी का बंदा निशान था, और इन भाई से भी काफ़ी बातचीत की है, जितना अल्लाह ने तौफीक दी हमने पॉसिबल था हमने किया है। और कहने का मकसद है, हकदार और ऐसे इंसान को देख कर दें, आप लोगों पर भी हक है, वाजिब है, और कल क़यामत के रोज़ अल्लाह की अदालत में भी हमने खड़े होना है। और हमें चाहिए कि हम वाजिद अली फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएँ, और आप लोग भी हमें रब्ता कर सकते हैं, याद करवा सकते हैं, ताउन में। अल्लाह ताला आपको दिन दुखनी रात में तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं किसी